उसके बाद आप क्या कर रहे हैं सो बता रहे हैं? आप उस रिकवरी एजेंट उसका घर पे जा रहे हैं, कभी साइकिल उठा देता है, कभी उसका बकरी का बच्चा उठा लेता है, कभी उसके घर से गैस सिलेंडर उठा के बेच देता है, पांच को लेडीज रहता है उसी पांच को लेडीज का चढ़ा के उसका घर का मरैया उखड़वा देता है। इस अलग कहाँ का नियम है? बिहार आप लोग जानते होंगे कि सोशल मीडिया पे लोन तोन का तेला बेला ना बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी इंस्टेंट अप्रूवल, इंस्टेंट आपके अकाउंट पे लोन जो आ रहा है 8,000, 10,000, 5,000, 3,000, ज्यादा वो लाख, 2 लाख, 10 लाख नहीं दे रहे हैं, वही 8,000, 10,000। उसके बाद आप उसका ईएमआई नहीं भरिएगा ना, तब उसका रिकवरी एजेंट आपको कॉल कर करके इतना गाली भी देता है, बेहद भद्दा भद्दा, प्लस में आपको कॉल करके हेजिटेट कर देगा। अभी एक मामला जो है, ये सुसाइड कर लिया, बस मात्र 10,000 इंस्टेंट लोन अप्रूवल के तहत, वो इंस्टेंट लोन लिया था 10,000, जरूरत था उसको, वो लिया और उसका एजेंट इतना हेजिटेट उसको कर दिया, वह खुद को सुसाइड कर लिया। बताइए, जो ये सब जो RBI जो अप्रूवल दे दिया इन लोगों को, काहे अप्रूवल दिया? 10,000, 5,000 बांटने लायक लोन है? इंस्टेंट आरबीआई जो है, ये सब जितना भी फ्रॉड गिरी कर रहा है, जितना भी है ना छोटका डिस डैड दुनियादारी वाला छोटका लिली पुटी 2,000, 4,000 लोन दे रहा है, उस सबको इंस्टेंट लोन वाला को तो बंद ही करना चाहिए। और बिहार में ना देखिएगा, एक दिन भुखमरी आ जाएगा। अब हम क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, क्यों भुखमरी आएगा? भुखमरी के आने का रीजन भी है, पूरा रीजन। अभी बिना उसका बैकग्राउंड देखे हुए समूह लोन पास कर देता है 50,000, 30,000, 35,000। उसमें ना अभी जितना भी 100% अगर पास हो रहा है, उसमें 20% इंसान बन रहा है, 80% इंसान बर्बाद हो रहा है, जिसको हैसियत नहीं है। देखिए, बिहार में ऐसा नहीं है कि 10,000 सैलरी तो सब कोई कमाता है, बट फैमिली मेंटेन करने के चक्कर में उसको 10,000 महीना में बचे तब ना अगले को देगा कोई चीज। अगर 10 का 10 बचेगा तो वो भी दो तल्ला बिल्डिंग नहीं पीट लेगा, आपका 30,000 का ही लोन लेगा। वही होता है, 10,000, 8,000 सैलरी है बिहार में, वो 10,000, 8,000 कमाता है, उसको खुद का फैमिली मेंटेन नहीं हो पाता है, कुछ इधर उधर से लिए दिया रहता है तो समूह उठा के देता है, और समूह उठाने के चक्कर में उसको जो सिंगल कर्जा रहता है, सिंगल ड्यू रहता है उसको, वो डबल से ट्रिपल हो जाता है। एक तो इसको उठा के उसको दिया, मान लीजिए काम बंद हो गया इसका, या काम कर ही रहा है, 300 का रोज बिहार में दे रहा है, अभी 300 ज़्यादा किसी को नहीं देता, 250-300 कमा रहा है, उसमें फैमिली उमली दिस डैट 50,000 तो दिया। अब मान लीजिए 1,800-2,000 महीना 15 दिन का अभी किस्ती बांधता है, 15 महीना का 4,000 बांध दिया, वो इसको 4,000 होगा तब ना उसको देगा, फिर कर्जा उठा उठा उसको दे रहा, फिर वो देगा, फिर वो कर्जा समूह उठा के लोन उठा के उसको देगा। इसी चक्कर में अभी स्मॉल कंपनी, स्मॉल फाइनेंसर जितने भी हैं, वो ना बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, और ये RBI सपोर्ट उसको कर रहे हैं बिहार को बर्बाद करने में। बस लोन देंगे 50,000, 60,000, बहुत घींच के देंगे ना तो 80,000, 80,000, लाख कोई नहीं देता, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000। ये बिहार का बर्बादी है, जितने भी स्मॉल फाइनेंसर है, समूह लोन जो बोलते हैं, जो लेडीज लोगों को दिया जाता है, वो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। अब हम क्यों कर रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड नहीं है देने का, अब कोई मेरा वीडियो देखेगा बुरा नहीं मानिएगा, आप लोग अच्छा लगे बुरा लगे मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप ही के लिए वीडियो है, अच्छा लगे तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले अपने फैमिली मेंबर को भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। देखिए, आपका अगला पार्टी जो, उसका हैसियत नहीं है 50,000 का, फिर भी आप उसको 50,000 सैंक्शन लोन कर देते हैं, लोन तो कर दिया, 2-3 किस्त तो दिया, उसके बाद वो डिफॉल्टर को बर्बाद ही ना कर रहे हैं। अब खास करके आप लोगों को बता रहे हैं, ये किस कास्ट में लोन दिया जाता है, कास्ट के ऊपर लोन देता है, ओबीसी एक ही हो गया, SC ST BC, इन तीन ही कास्ट अधिकतर लोन ले रहे हैं 90%, अदर जो है वो कम ले रहे हैं, बट तीन कास्ट SC ST और BC, बीसी जो ओबीसी भी बोलते हैं, बीसी बोलते हैं, ये तीन कास्ट पे ज़्यादा फोकस करता है, तीन कास्ट पे इतना फोकस करेगा आपको, कहे कि ये इसको हमेशा कुछ ना कुछ कमी ही रहता है, हमें एनी टाइम ये ड्यूज में ही रहता है।